हाँ स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 12। लेट ए इज इक्वल टू 3 - 1 - 4 - 2। तो इस ए को क्या लिखेंगे, ए इंटू आई। फिर ये 3 - 1 - 4 - 2 और ये हो जाएगा यस ए इंटू 1001। फिर करना क्या है, हमें इसे 1 करना है। तो देखिए रो 1 में चेंज करते हैं और लिखते हैं रो 1 प्लस रो 2, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये -4 और 2। यस ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 1 1 और ये 0 1। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, इसे हमें 1 करना है -1 नहीं। तो चलिए रो 1 को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 1 - 1 - 4 - 2 हो गया और ये a -1 - 1 और 0 1 हो गया। इसे करना है हमें 0, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं होगा, रो 2 में चेंज होगा। क्या चेंज होगा ना, रो 2 प्लस, देखिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि पहले से माइनस है, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं है। रो 2 में चेंज कर रहे हैं तो देखिए -4 2 रो 2 लिख दिए और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहां पे हमें करना क्या है, प्लस करना है, ये 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक, ये a इंटू, देखिए रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 में चेंज करना है तो हम रो 2 को लिख दिए और रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। हमें ऐड करना है, यस हमें ऐड करना है तो ये -4 और ये माइनस, सो क्या हो जाएगा -3, ये हो गया -4 और ये -3। अब देखिए इसे हमें करना है 1, तो हम क्या करेंगे ना, रो 2 को हम -2 से डिवाइड कर देंगे। यस सिंपल, 1 - 1 - 0 1 हो गया। चलिए a इंटू, ये क्या होने वाला है, रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 को हमें -2 से डिवाइड करना है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। चलिए अब इसे हमें 0 करना है तो रो 1 को रो 2 से ऐड कर देंगे, तो रो 1 को रो 2 से ऐड कर देंगे तो ये 1 0 और ये 0 1 हो जाएगा। ये a इंटू, ध्यान दीजिए कि हम इसे ऐड कर रहे हैं, इसे हम ऐड कर रहे हैं -1 + 3/2, मीन्स ये भी हो जाएगा 1/2, मीन्स ये हो गया 1/2, ये 2 और ये 3/2। तो ध्यान दीजिए हमें कुछ इसे इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, ए इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2/2। यस ये तो पहले से 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 4/2 और ये 3/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1001 ए इंटू 1/2 को हम बाहर कर लिए, ये 2 1 4 और ये 3 हो गया। तो हम इसको इन्वर्स में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि a इनवर्स जो है वो 1/2, फिर हो जाएगा 2 1 4 3, तो ये मेरा इनवर्स हो गया।